अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है और कौन से ऑपरेशन सेट पे परफॉर्म होते हैं और उनको हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम सारे स्कीमेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट और ए ग्रुप। तो वेन डायग्राम क्या होता है? एक स्कीमेटिक डायग्राम है कह सकते हो, या एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम सेट के एलिमेंट्स को शो करते हैं। इन ईच वेन डायग्राम वी रिप्रेजेंट सेट्स और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स। तो यहाँ पर वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, सेट्स को या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या ग्रुप ऑफ सेट्स को किस में शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो अगर सपोज सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, तो ये ए सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3। सिमिलरली ये सेट बी है जो हमने सर्कल से शो किया है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 3, 4, 5। अब हम देख रहे हैं क्या क्या ऑपरेशन हम सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम देख रहे हैं यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सपोज ए सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट है और बी सेट में 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। अगर मुझे इसका यूनियन करना है तो यूनियन में क्या आता है, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला के एक नया सेट बनता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ए और बी के, लेकिन अगर कोई नंबर रिपीटेशन में यानी दोनों सेट में अवेलेबल है तो उसे वन टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेट में हम नंबर्स को रिपीटेशन में नहीं लिखते हैं। तो जैसे ए सेट में 1 है तो ये आ जाएगा, 2 है तो ये भी आ जाएगा, 3 है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स लिख लिए। अब देखा हमने 2 इसमें भी है तो इसको फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। फिर 3 इसमें भी है तो इसको भी फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे यूनियन में आ चुका है। अब 4 नहीं है तो इसको ऐड कर देंगे, 5 नहीं है इसको ऐड कर देंगे। तो ये यूनियन हो जाएगा ए और बी का, यानी ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आएंगे लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा। अगर दोनों सेट्स में वो नंबर अवेलेबल हैं तो ए यूनियन बी वाले सेट में सिर्फ सिंगल टाइम ही हम उस नंबर को लिखेंगे। तो यूनियन क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दैट आर इन ए और बी। तो यूनियन क्या होता है, वो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम रिपीटेशन में नहीं लिख सकते यूनियन में। तो जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ए या बी में, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ए यूनियन बी में। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए लिखते हैं फिर यूनियन लिखते हैं फिर बी लिखते हैं। तो अगर हमें ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, ये ए सेट है ये वाला सर्कल जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, और ये वाला क्या है, बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये पूरा सेट, ये पूरा जो सेट है, ये जो रेड से मैंने शो किया है, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। यानी ए यूनियन बी में देखो सारे एलिमेंट्स है ना, 1B है, 2B है, 3, 4, 5, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम। अगर सेट ए यूनियन बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कि ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इस सेट को हम ऐसा भी, ए यूनियन बी को हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ ए एंड बी। ये चीज याद रखनी है कि वो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो दोनों में अवेलेबल हो, जबकि यूनियन में क्या हो रहा था, अगर सपोज ए में अवेलेबल है और बी में नहीं है तो भी वो ए यूनियन बी में आ रहा था और था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दोनों में अगर प्रेजेंट होगा, दोनों सेट में अगर प्रेजेंट होगा तो ही वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन ये वाला रहता है। तो अगर हम एग्जांपल से देखें तो ए में 1, 2, 3 है, बी में 2, 3, 5 है, तो इनमें ऐसे कौन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जो दोनों में अवेलेबल हैं। तो यहाँ देखें 2, 3 यहाँ भी है और 2, 3 यहाँ भी है, तो 2, 3 क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो जो भी एलिमेंट्स ए और बी दोनों में प्रेजेंट होंगे वो किस में आ जाते हैं, इंटरसेक्शन बी में। अब इसका अगर हम वेन डायग्राम देखें तो ये वाला सेट ए है जिसमें 1, 2, 3 है और इस साइड वाला सर्कल शो कर रहा है 2, 3, 4, 5। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहाँ पर आएंगे, तो ये जो पोर्शन है ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी जिसमें सिर्फ 2 और 3 एलिमेंट आएंगे। तो ये वेन डायग्राम हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको भी हम ए इंटरसेक्शन बी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, कॉमा मतलब एंड है, ठीक है, आप चाहे तो एंड भी लिख सकते हो, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स ए से भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा।
वी यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स. तो ये एक तरह से इंटरसेक्शन एक रिलेशनशिप है सेट्स के बीच में, तो हम वेन डायग्राम्स को रिलेशनशिप शो करने के लिए भी, रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन इज सेट डिफरेंस. तो सेट डिफरेंस पहले हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज ए सेट में 1 2 3 4 है और बी सेट में 2 3 4 5 है, तो इन दोनों का अगर ए माइनस बी मुझे करना है, सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं और बी में नहीं है वो ए माइनस बी में आ जाएंगे. तो अगर हम देखें तो ए में 1 है लेकिन बी में नहीं है, तो ये इसमें आ जाएगा. अब 2 3 4 5 2 3 4 इसमें भी है तो ये नहीं आएंगे. ठीक है, एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, 3 माइनस 3 हो गया 0, 4 माइनस 4 हो गया 0. तो ये एलिमेंट नहीं आएंगे, सिर्फ 1 बचेगा. अब रिवर्स करना हो b माइनस a, तो b माइनस a में, b में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो a में नहीं है, तो 2 3 4 तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये नहीं आएंगे. सिर्फ कौन सा एलिमेंट a में नहीं है, 5. तो बी में बी माइनस ए में क्या बचेगा, 5. सेट डिफरेंस क्या है, द सेट डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए बट नॉट इन बी. एलिमेंट्स ए माइनस बी में आएंगे जो सिर्फ ए में होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए. इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी. एक्स ए से तो बिलोंग होना चाहिए लेकिन बी से बिलोंग नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पर 1 जो है ए से तो बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग नहीं कर रहा है. सिमिलरली बी माइनस ए में क्या हुआ, 5. बी से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहा है. तो अगर हमें इसे वेन डायग्राम में शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ए को और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बी को. तो सिर्फ जो एलिमेंट्स ए में हो बी में नहीं हो, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये क्या शो करता है कि ए के एलिमेंट्स बी में भी होंगे. तो हमें इसको हटा देना है, सिर्फ इसके अलावा जो ये पोर्शन बचा हुआ है ये हमारा क्या होगा, ए माइनस बी. ये वाला सिर्फ पोर्शन ये क्या है हमारा, ए माइनस बी. और सिमिलरली बी माइनस ए कौन सा पोर्शन होगा, जो सिर्फ एलिमेंट्स बी में हो ए में नहीं हो. नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स x1, x2 वेयर x1 बिलोंग्स टू ए एंड x2 बिलोंग्स टू बी. इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास दो सेट हैं, a=1, 2 एंड b=ab. तो अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या होगा, 1 का कॉम्बिनेशन पहले ए के साथ फिर बी के साथ ये लिखेंगे, फिर 2 का कॉम्बिनेशन ए के साथ और बी के साथ ये दोनों पेयर लिखेंगे. तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम टू सेट्स ए और बी का फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब कि यहाँ पर जो अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो जो ऑर्डर पेयर x1, x2 बनेगा उसमें से जो x1 होगा वो a से बिलोंग करेगा और जो x2 होगा वो b से बिलोंग करेगा. तो इसीलिए क्या कहा है कि x1 a से बिलोंग करेगा और x2 b से. तो यहाँ पर देखो ये जो 1 है ये a से बिलोंग कर रहा है और ये जो a है वो b से बिलोंग कर रहा है. ये ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट a का होगा और सेकेंड एलिमेंट b का होगा. मुझे b क्रॉस a निकालना है तो अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट सेट कौन सा है, b. तो एलिमेंट्स किसके फर्स्ट आएंगे, b के. तो ये होगा a(a,1, a,2) फिर b,1, b,2. यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, b से, और सेकेंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, a से. अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. तो इट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए. तो कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं होंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. जैसे यहाँ पर देखो एक यूनिवर्सल सेट होता है, ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, यानी सारे नंबर्स. तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दूंगी ना तो बाकी सारे नंबर्स जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे. तो ए कॉम्प्लीमेंट को इस टाइप से शो करते हैं. ठीक है, ये ए है, इसके अलावा ये जो है लाइंस जो हमने शो की हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट. और ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए. यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए को माइनस कर दोगे तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है. तो फॉर एग्जांपल सपोज a=1, 2 है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं सारे नंबर्स 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो तो ठीक है, तो माइनस करने पर क्या होगा, यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं वो रहेंगे. तो अगर हम यू माइनस ए करेंगे तो यू माइनस ए में क्या होगा, 1, 2 क्योंकि ए में अवेलेबल है तो ये यहाँ से हट जाएंगे, सिर्फ क्या रहेगा 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी. तो
जो ए में एलिमेंट्स नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में आते, तो ए में 1 2 थे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया उसका 3 4 5। तो ये जो लाइन से ये क्या शो करी है, ए के कॉम्प्लीमेंट को। और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज दी सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अब अगर सपोज बी सेट भी अवेलेबल है, अभी हमने क्या अज्यूम किया था कि सिर्फ ए अवेलेबल, अगर बी भी अवेलेबल है हमारे पास सेट और हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है ए का, तो उस केस में क्या होगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस सर्कल को छोड़ के बाकी पूरा जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का। ये सारे 5 ऑपरेशन हम सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि अब कुछ हम और एग्जांपल्स दे रहे हैं जिसको हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। तो जैसे अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा पोर्शन, ये जो ग्रीन से मैंने शो किया ये ए यूनियन बी है। तो इस पोर्शन को अगर मैं यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो सारी लाइंस दिख रही हैं ये शो कर रहा है किसको, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। और अगर सपोज मुझे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये होता है, तो इस पोर्शन को छोड़कर बाकी पूरा जो स्पेस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। अब सपोज मुझे सी सेट भी है मेरे पास और मुझे वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तो मैंने ये ए का सर्कल बना लिया, बी का बना लिया और सी का बना लिया। ये जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहाँ पर सारे सर्कल्स क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिप्रेजेंटेशन।